Hello students, in the last video, we have studied about the generation technique and demodulation technique of double sideband suppressed carrier. Okay, now in this video, we will study some numericals on this basic topics of double sideband suppressed carrier. Okay, so first numerical is a DSB SC signal is generated using non-linear system. Okay, so here non-linear system is given to you. V0 is equal to AVI plus BVI cube. Okay. So, हमें इस question में given है कि DSB SC signal generate किया जा रहा है through this non-linear system. Okay. Where आपको VI given है MT plus cos 2 pi FXT. Okay. यह आपको given है VI, जो कि आपका non-linear system का input है. क्लियर है पॉइंट. और आपको कह रहा है कि जो आउटपुट है नॉन लीनियर सिस्टम का इस पास्ड थ्रू अ बैंड पास फिल्टर, तो आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि V0 जो है वो बैंड पास फिल्टर से पास होता है. ओके, टू सेलेक्ट द डीएसबी एससी सिग्नल मींस V0 को बैंड पास फिल्टर से इस तरह से पास किया जा रहा है कि आपका डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट हो जाए. ओके, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ एफएक्स कितनी होगी. और आपको गिवन है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीएसबी एससी सिग्नल इज 2 मेगाहर्ट्ज. ओके, सो आपको डीएसबी एससी सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 मेगाहर्ट्ज. और आपको बताना है कि एफएक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं. ओके, तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं. आपको कहा गया है कि एक नॉन लीनियर सिस्टम का यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है AVI + BVI क्यूब. किसको बनाने के लिए? DSBSC सिग्नल को बनाने के लिए, ठीक है. आपको VI की वैल्यू गिवन है, आपको ये कह रहा है कि जो आउटपुट है नॉन लीनियर सिस्टम का उसे हम लोग पास कर रहे हैं बैंड पास फिल्टर से, जिससे आपका DSBSC सिग्नल जनरेट हो जाए, ठीक है. तो आपको बोल रहा है कि FX की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जबकि DSBSC सिग्नल की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 मेगाहर्ट्ज की होगी. क्लियर है पॉइंट. ओके, सो अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो देखिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. हमें VI की वैल्यू गिवन है और हमें V0 गिवन है इन टर्म्स ऑफ VI. तो सबसे पहले हम V0 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. तो कितना हो जाएगा आपका AMT plus A cos 2 pi FXT. ओके, प्लस क्या है आपका BVI क्यूब, मींस B अंदर क्या आ जाएगा आपका A plus B का होल क्यूब, दैट मींस A क्यूब. ओके, प्लस b क्यूब, दैट इज cos क्यूब 2 पाई fxt. आगे क्या होता है आपका 3a² b. ओके, मींस क्या हो जाएगा 3m² t cos 2 पाई fx * t. प्लस क्या होता है आपका 3ab², दैट मींस 3mt cos स्क्वायर 2 पाई fxt. ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. हम लोगों ने यहां पर a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है. तो क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². ओके, नाउ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस v नॉट को हम लोग पास कर रहे हैं थ्रू बैंड पास फिल्टर. इस तरह से हम लोग पास कर रहे हैं कि जो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है वो आपका DSBSC सिग्नल होना चाहिए. ओके, अब हमें यहां पर कोई रेंज नहीं दी है फ्रीक्वेंसी की, हमें सिर्फ ये गिवन है कि DSBSC सिग्नल होना चाहिए. इसकी क्या मीनिंग है, DSBSC सिग्नल मींस आपका जो फॉर्मेट है वो MT * cos 2πfct का होना चाहिए, ठीक है ना. MT * cos, यही था आपका DSBSC सिग्नल, जहां पर आप मैसेज और कैरियर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप इन सारे टर्म्स में से उस टर्म को ढूंढिए जहां पर MT * cos गिवन हो आपको. तो देखिए यहां पर तो नहीं गिवन, मतलब ये टर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा. यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ cos गिवन है, दैट मींस सेकंड टर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा. अब आप देखिए ये टर्म सिर्फ m³t है, ये टर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा. नाउ दिस टर्म इज ओनली cos³, तो ये टर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा. नाउ दिस टर्म इज m²t, तो ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एमटी चाहिए. नाउ अगर आप इस टर्म को देखें यहां पर, तो यहां पर cos² थीटा है. हमें cos² थीटा का फॉर्मूला आता है, क्या होता है,
1 plus cos 2 theta divided by 2. तो अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 3 by 2 mt, ओके, और अंदर क्या आ जाएगा 1 plus cos 4 pi fx t, ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको mt into cos का एक टर्म मिल रहा है, एक टर्म तो सिर्फ mt का मिल रहा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, बट एक टर्म आपको क्या मिल रहा है mt into cos का, तो सिर्फ और सिर्फ यही टर्म होगा आपका आउटपुट, क्योंकि DSBSC सिग्नल का जो फॉर्मेट होता है वो MT into cos होता है, ठीक है? तो जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट में कई सारी थ्योरी देखी या न्यूमेरिकल्स देखे हैं लास्ट वीडियोस में, जहां पर आपको रेंज गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज, जिसके थ्रू आप फिल्टर से सिग्नल को पास करते हो या रिजेक्ट करते हो, लेकिन यहां पर आपको रेंज गिवन नहीं थी, यहां पर आपको डायरेक्टली गिवन था DSBSC सिग्नल, दैट मींस आपको समझ में आना चाहिए था कि DSBSC सिग्नल का फॉर्मेट क्या होता है, आप उसी फॉर्मेट को सिर्फ और सिर्फ पास करिए, बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है? तो अब अगर मैं बैंड पास फिल्टर का आउटपुट देखूं तो ये हो जाएगा 3/2 mt cos 4 pi fxt, ओके, सो आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 3/2 mt cos 4 pi fx t, क्लियर है पॉइंट यहां तक? नाउ यहां पर एक और पॉइंट था, यहां पर जो आपका मल्टीप्लाई विद bb था, ठीक है ना, तो आप यहां पर b को भी शो कर सकते हैं, दैट इज b, ओके, और लास्ट में भी आप b को यहां पर शो कर सकते थे, ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखने जाऊं तो देखिए आप, ये आपका DSBSC सिग्नल है, यहां पर हमें बोला गया है कि DSBSC सिग्नल में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 2 मेगाहर्ट्ज है, तो वैल्यू ऑफ fx क्या होगी, ठीक है? तो अगर मैं इस आउटपुट को स्टैंडर्ड DSBSC इक्वेशन से कंपेयर कर दूं तो वो होता है आपका AC MT cos 2 pi FCT, ओके, और FC आपको गिवन है, ठीक है? अब आप यहां पर समझिए, ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का है, तो आप cos के साथ जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ उसे ही कंपेयर करिए, ठीक है ना, मींस आप cos थीटा को कंपेयर करिए खाली, तो अगर आप cos को देखेंगे तो यहां पर है 4 pi fx, यहां पर क्या है आपका 2 pi fc, इसका मीनिंग क्या है कि जो 4 pi fx है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 pi fc के, क्योंकि जो आउटपुट है वो भी DSBSC सिग्नल है और जो स्टैंडर्ड है वो भी DSBSC का ही स्टैंडर्ड सिग्नल है, ठीक है? तो यहां से आप देखिए 2 pi कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 2 fx इज इक्वल टू fc आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट? तो मतलब क्या है आपका कि जो fx है वो हो जाएगा fc/2, fc कितना गिवन है क्वेश्चन में 2 मेगाहर्ट्ज, तो fx कितना हो जाएगा आपका 1 मेगाहर्ट्ज, ओके, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ fx आपकी होगी 1 मेगाहर्ट्ज, ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक आपका, इससे आपके काफी कांसेप्ट क्लियर होंगे DSBSC के, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां कंसीडर करने जा रहा हूं, जहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है और एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, पहले मैं यहां पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर ब्लॉक डायग्राम में इनपुट जो है वो XT है, ओके, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है, जिसमें आप एक फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई कर रहे हो ऑफ 12 kHz, ओके। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक जो है आपका वो है आपका हाई पास फिल्टर का, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है आपकी 12 kHz की, ओके। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक जो है आपका अगेन एक और बैलेंस मॉड्यूलेटर आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप एक और फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो 15 kHz की, ओके, और आउटपुट जो है आपका वो है YT, ओके। यहां पर जो आपको फिगर गिवन है वो गिवन है XF का, क्लियर पॉइंट? तो यहां पर जो XF है, XT का फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसका फिगर कुछ इस तरह से है, ये आपका एक ट्रायंगल बना है पॉजिटिव साइड और सेम आपका सिमेट्रिकल बना है नेगेटिव साइड, ओके। तो यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 0, 1 एंड 2, ओके, सेम नेगेटिव साइड में 1 दैट मींस -1 एंड -2, ओके। नाउ आपको बोला क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज वेयर YF has spectral peaks, ठीक है, आपको वो frequencies calculate करनी है positive side में, जहां पर आपका YT का Fourier transform, that is YF,
स्पेक्ट्रल पीक्स कंटेन करता है, मींस वहां पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जैसे कि ध्यान से समझिए, एक्सएफ का एम्पलीट्यूड कहां पर मैक्सिमम है, वन पर है ना, ठीक है ना, आप देख सकते हैं वन पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। वैसे ही आपको सेम वाईएफ ड्रॉ करना है और देखना है आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी पर मिल रहा है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज बैलेंस मॉड्यूलेटर का रोल क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है, जब भी उसमें दो इनपुट अप्लाई किए जाते हैं तो वो उस दो इनपुट की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता है एंड सब्ट्रैक्ट करता है, दैट्स इट, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। सेम जो हाई पास फिल्टर है उसका क्या रोल होता है, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, उससे नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म XF गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस XF के थ्रू ही आगे हमें सॉल्व करते जाना है। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट को दे देते हैं X1F, दैट मींस मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिख रहा हूं, इसका इनपुट क्या था, XF था, ओके। सेकेंड को मैं दे देता हूं X2F, ओके, और आउटपुट क्या है आपका, YF है, क्योंकि हमें यहां फोरियर डोमेन में ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो X1F, अगर मुझे X1F कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, मैंने आपको क्या समझाया है, जब भी दो फ्रीक्वेंसीज आपकी इनपुट होती हैं तो वो एड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं इन केस ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो यहां पर आप देखिए, आपका एक तो XF है जो इनपुट है बैलेंस मॉड्यूलेटर में, और एक आपका क्या है 12 किलो हर्ट्ज है। तो आपको करना क्या है, बस कि इस XF में प्लस 12 करना है और इस XF में ही आपको माइनस 12 करना है, दैट्स इट, आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो फिर से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, अगर बैलेंस मॉड्यूलेटर में एक सिग्नल हो इनपुट में और एक आपकी फ्रीक्वेंसी एप्लीकेबल हो, तो उस सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको एक बार उस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है और एक बार उस फ्रीक्वेंसी को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं एक बार करूंगा प्लस 12 और एक बार करूंगा माइनस 12, ठीक है। तो जो आपका X1F है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए आप X1F जब आप प्लस 12 करेंगे तो प्लस 12 की मीनिंग क्या होगी, देखिए 0 प्लस 12 12, यहां पर क्या हो जाएगा 13 और यहां पर क्या हो जाएगा 14, ओके। तो लिख सकते हैं हम लोग 12, 13 एंड 14, सारे के सारे आपके किसमें हैं, यहां पर किलोहर्ट्ज़ में, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर माइनस 12 करूं तो इसी पहले पॉजिटिव साइड में माइनस 12 अगर मैं करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 12, ओके। 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका माइनस 11 और 2 माइनस 12 माइनस 10, ओके। तो ये कहां से कहां तक जाएगा आपका, माइनस 10 से माइनस 12, ओके। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए माइनस 10 से माइनस 12, तो आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा यहां पर, ये माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं नेगेटिव साइड प्लस 12 करूं देन नेगेटिव साइड माइनस 12 करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप प्लस 12 करेंगे तो माइनस 2 प्लस 12 कितना होगा 10, ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका 10 to 12, ओके। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा आपका ये, ओके, 10 11 एंड 12, 12 तो ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर ही दिया है, यहां पर लिख ही चुके हैं आप ऑलरेडी 12 को, ठीक है। सेम अगर अब मैं नेगेटिव साइड में माइनस 12 परफॉर्म करूं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 14 माइनस 13 एंड माइनस 12, ओके। सो ये बन जाएगा आपका माइनस 12 माइनस 13 माइनस 14, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ड्रॉ हो गया यहां पर X1F। अब यहां पर ध्यान से समझिए, आपका जो X1F है वो अब आपका हाई पास फिल्टर से पास होगा और हाई पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 12 किलोहर्ट्ज़। दैट मींस 12 और 12 के ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी, 12 के नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। तो जो आपका X2F है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा आपका, देखिए जरा यहां पर F, ओके, X2F, तो 12 के ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी आपको पास करनी है, दैट मींस कुछ ऐसा हो जाएगा 12 13 एंड 14, सेम यहां पर माइनस 12 माइनस 13 एंड माइनस 14, ठीक है। तो ये आपका जनरेट हो गया यहां से X2F। नाउ अब अगर हम आगे देखें, एक और बैलेंस मॉड्यूलेटर है आपका जिसमें जो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेबल है वो 15 है,
दैट मींस आपको एक्स टू एफ में हर एक फ्रीक्वेंसी में प्लस 15 करना है और हर एक फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है माइनस 15, तो आपका बन जाएगा वाई एफ। ओके, तो यहां पर अगर मैं वाई एफ को ड्रॉ करूं तो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी में अब सबसे पहले करना है प्लस 15। ओके, मैं एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले प्लस 15 कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर कितना हो जाएगा 14 प्लस 15 29, ये कितना हो जाएगा आपका 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 27। ओके, तो पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं 27 टू 29, क्लियर है पॉइंट। नाउ यहां पर अब अगर मैं नेगेटिव साइड भी प्लस 15 करूं, ठीक है, तो माइनस 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 1 से 3 तक आपका जाएगा ये। ओके, सो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3, कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा आपका 1 2 3, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसी में माइनस 15 करूं तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 15 कितना होगा माइनस 3, 13 माइनस 15 माइनस 2 और 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका माइनस 1, तो ये ड्रॉ हो जाएगा आपका माइनस 1 से माइनस 3 तक। ओके, तो दैट इज माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव साइड वाली में माइनस 15 परफॉर्म करूं तो कितना हो जाएगा माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29, माइनस 13 माइनस 15 माइनस 28, माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27, तो कुछ इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये ड्रॉ हो जाएगा माइनस 27 माइनस 28 माइनस 29। ओके, तो यहां पर जो आपका स्पेक्ट्रम ड्रॉ हुआ है, यहां पर आप देख सकेंगे कि जो मैंने फिगर ड्रॉ किए हुए हैं उसके एम्पलीट्यूड आपको एक जैसे नहीं लग रहे हैं, एक्चुअल में वो सारे एम्पलीट्यूड आपके एक जैसे ही हैं। यहां पर मेरा कंसर्न एम्पलीट्यूड पे था ही नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि फ्रीक्वेंसी की जो आपकी रेंजेस है वो करेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं तो क्वेश्चन क्या था आपका, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज एट विच वाई एफ हैज स्पेक्ट्रल पीक्स पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक आपका 2 पर मैक्सिमम है और एक आपका 28 पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2 किलो हर्ट्स कॉमा 28 किलो हर्ट्स। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर का रोल क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, और सेकेंड कंसेप्ट स्पेक्ट्रल पीक्स की क्या मीनिंग होती है। स्पेक्ट्रल पीक्स मतलब जो आप फोरियर डायग्राम बनाते हैं, फोरियर स्पेक्ट्रम बनाते हैं किसी भी सिग्नल का, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किस फ्रिक्वेंसी पर होगा। ओके, लॉजिक क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से एक ब्लॉक डायग्राम यहां पर गिवन है। ओके, सो मैं यहां पर बैलेंस मॉड्यूलेटर ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, बैलेंस मॉड्यूलेटर में जो इनपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़। ओके, एंड एम्पलीट्यूड जो है वो है 1 वोल्ट। नाउ एक और इनपुट जो है बैलेंस मॉड्यूलेटर में उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 100 मेगाहर्ट्ज़ एंड जो एम्पलीट्यूड है आपका वो है आपका 2 वोल्ट। ओके, नाउ जो आपका हाई पास फिल्टर है उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 100 मेगाहर्ट्ज एंड लास्ट आपका एक एडर है, ठीक है। इस एडर में जो एक और इनपुट एप्लीकेबल है वो है आपका 100 मेगाहर्ट्ज, ओके, कॉमा 1 वोल्ट कॉमा 90 डिग्री। ओके, और आपको यहां पर गिवन है आउटपुट, ठीक है। तो आपको बोला है डिटरमाइन द एनवेलप ऑफ आउटपुट, ठीक है, आपको यहां पर निकालना क्या है आउटपुट का एनवेलप। ओके, हम लोगों ने एनवेलप डिटेक्टर में एनवेलप का मतलब समझा था, ठीक है। एनवेलप का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड, मींस आपको आउटपुट का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, यहां पर आउटपुट का मॉड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक कंप्लीट फिगर गिवन है, ठीक है, जहां पर आपको बैलेंस मॉड्यूलेटर गिवन है, एडर गिवन है, हाई पास फिल्टर गिवन है और आपको आउटपुट का एनवेलप कैलकुलेट करना है। यहां पर ये क्वेश्चन एक और पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पर आपको देखिए आपको कोई सिग्नल नहीं गिवन, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड गिवन है। सेम यहां पर भी देखिए और सेम ये थर्ड पॉइंट पर भी देखिए, यहां पर एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर शुरू के दो पॉइंट्स में आपको एंगल नहीं गिवन, लेकिन थर्ड पॉइंट में आपको एंगल गिवन है। इसकी क्या मीनिंग है,
कि अगर आप फर्स्ट टू सिग्नल्स को कॉस कॉस कंसीडर कर रहे हैं तो 90 डिग्री के साथ थर्ड सिग्नल को आपको साइन लेना होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कॉस और साइन के बीच में होता है। स्टैंडर्ड आप कॉस ले रहे हैं हर बार, तो आप कॉस ही लेकर चलिए, जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है उसे आप साइन ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस मॉड्यूलेटर का रोल जो होता है टाइम डोमेन में, आपको पता है टाइम डोमेन में वो दो सिग्नल को क्या करता है, मल्टीप्लाई, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। आपको हमेशा यही रोल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस सिग्नल को फोरियर ट्रांसफॉर्म में सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर इस सिग्नल को आप लोग टाइम डोमेन में सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम डोमेन सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रोल होता है आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर का। तो अगर मैं यहां पर टाइम डोमेन में सॉल्व करने के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे एनवेलप भी फुल एंड फाइनल टाइम डोमेन में ही कैलकुलेट करके दिखाना है यहां पर, तो आपका जो फर्स्ट सिग्नल है 1 MHz, 1 वोल्ट, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अगर ये आपका मैसेज सिग्नल है तो कितना हो जाएगा आपका, कॉस 2π × 10^60, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका 1 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 MHz। ओके, यहां पर मैंने इसे मैसेज सिग्नल क्यों लिया, क्योंकि आप समझिए मैसेज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस होती है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो हमें 100 MHz को कैरियर लेना पड़ेगा और 1 MHz को क्या लेना होगा, मैसेज लेना होगा। क्लियर है पॉइंट। अब कैरियर को देखिए आप, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 MHz और एम्पलीट्यूड कितना है आपका 2 वोल्ट, तो कैरियर को आप क्या लिख सकते हैं, CT = 2 cos 2π × 100 × 10^60। ओके, तो ये आपका हो गया 100 MHz। ओके, नाउ अगर इस बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट को मैं ST दे दूं, तो जो आपका ST है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा आपका, 2 cos 2π × 100 × 10^60 × cos 2π × 10^60। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्चुअली यहां पर हुआ क्या, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ DSB-SC सिग्नल, ठीक है ना, ये आपका DSB-SC सिग्नल का ही एक फॉर्म है। नाउ यहां पर अगर मैं ध्यान से समझूं, तो जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉक है वो हाई पास फिल्टर है, जो 100 MHz या 100 MHz से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो आपके टर्म्स क्रिएट हुए हैं वो कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में इसे लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या होता है आंसर आपका, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस 2π ओके 10^8 प्लस 10^6 इंटू टी प्लस कॉस 2π × 10^8 माइनस 10^6 इंटू टी, ठीक है ना। 100 × 10^6 क्या हो जाएगा, 10^8 हो जाएगा और ये आपका 10^6 ही था। क्लियर है पॉइंट अच्छे से आप लोगों को। नाउ अब अगर आप यहां पर देखिए जो ये टर्म है फर्स्ट वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10^8 से ज्यादा होगी, दैट मीन्स 100 MHz से ज्यादा होगी, ठीक है। और जो ये है आपका सेकेंड टर्म, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 10^8 से कम होगी, दैट मीन्स 100 MHz से कम होगी, तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा हाई पास फिल्टर से। तो आउटपुट ऑफ हाई पास फिल्टर, उसे अगर मैं S1T दे दूं, तो जो आपका S1T है वो कितना आ जाएगा, देखिए यहां से आप S1T विल बी कॉस 2π × 10^8 प्लस 10^6 इंटू टी। क्लियर है पॉइंट। नाउ ये जो S1T है ये आपका एक एडर का इनपुट है, और एडर का जो सेकेंड इनपुट है वो है आपका साइन सिग्नल, क्योंकि 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, ठीक है। जो साइन सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है 1 और फ्रीक्वेंसी है 10^8, क्योंकि 100 MHz है, ठीक है। तो आउटपुट जो होगा आपका, वो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 2π × 10^8 प्लस 10^6 इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन 2π × 10^8 t। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपका 1 था और फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, 100 MHz, आप यहां से चेक कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ
यहां पर देखिए आपको आउटपुट का एनवेलप कैलकुलेट करना है। एनवेलप का मतलब क्या होता है, याद करिए जब मैंने आपको एनवेलप डिटेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा गिवन है तो उसका एनवेलप क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमें इसी फॉर्म में इसे अरेंज करना होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, आपको एक पॉइंट हमेशा क्लियर रहना चाहिए, जब भी आपको ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा के फॉर्म में अरेंज करना हो तो आपको ध्यान रखना है जो थीटा वाला टर्म होगा वो हमेशा कैरियर फ्रिक्वेंसी वाला टर्म ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 100 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो आप देखिए जो साइन है, साइन में तो आपकी 100 मेगाहर्ट्ज वाला टर्म आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका प्लस बी साइन थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जो आपका ए कॉस थीटा है वो आपका अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पर 10^8 + 10^6 है, तो मैं इसे किस तरह से अवेलेबल करवाऊं। ठीक है ना, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं यहां पर क्या कर लूं, इस वाले टर्म को ओपन कर दूं कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस 2π इंटू 10^8t इंटू कॉस 2π 10^6t। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस क्या होता है आपका साइन ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा साइन 2π इंटू 10^8t इंटू साइन 2π इंटू 10^60 प्लस में क्या है आपका साइन 2π इंटू 10^8t। क्लियर है पॉइंट। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो टर्म्स हैं आपके वो कॉस 2π इंटू 10^8t के भी हैं एंड साइन 2π इंटू 10^8t के भी हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका कॉस थीटा और साइन थीटा अवेलेबल हो गया। अब अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को कॉमन ले लें तो ए और बी भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करिए यहां पर कॉस 2π इंटू 10^8t सिर्फ एक ही टर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर कॉमन लेते हैं इसे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से कॉस 2π इंटू 10^60। ठीक है, तो कॉस 2π इंटू 10^60 ये कितना बन गया आपका, ए बन गया, और कॉस 2π इंटू 10^8t ये क्या बन गया, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा आप देखिए, प्लस में आपका आ जाएगा बी साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा क्या है, साइन 2π इंटू 10^8t, तो आप कॉमन ले लीजिए यहां से तो कितना आ जाएगा आप देखिए, साइन 2π इंटू 10^8t। ठीक है, तो b क्या होगा आप देखिए, b हो जाएगा यहां पर माइनस साइन 2π इंटू 10^60 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से b आ जाएगा 1 माइनस साइन 2π इंटू 10^60। क्लियर है पॉइंट। अब आपको कहा गया है आउटपुट का एनवेलप, तो आउटपुट का एनवेलप क्या होता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का एनवेलप क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टर्म a, ओके, ये टर्म आपका हो गया b, तो आउटपुट का एनवेलप जो है आपका वो हो जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखिए, cos स्क्वायर 2π इंटू 10^60 a स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2π इंटू 10^60 का होल स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2π इंटू 10^60 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, एंड क्या हो जाएगा आपका माइनस 2ab। तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2π इंटू 10^60। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से आपका कॉस का स्क्वायर था, देन आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन 2π इंटू 10^60। ओके, यहां पर देखिए अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो आउटपुट का एनवेलप है अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस, माइनस के बाद क्या है देखिए आप यहां पर 2 साइन 2π इंटू 10^60। ओके, सो आप लिख दीजिए यहां पर 2
2 साइन 2 पाई इंटू 10 की पावर 60। क्लियर है पॉइंट? अब आप अगर चाहें तो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये क्या आ गया, 1 माइनस साइन 2 पाई इंटू 10 की पावर 60। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जहां पर हम लोगों ने बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज किया, हाई पास फिल्टर का यूज किया और एनवेलप कैलकुलेट किया एट द एंड, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट वाइज, ठीक है। तो आगे भी हम ऐसे और क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।